हमेशा कहती हूँ कि हानिया कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, आपके बाद सबसे पहले फिर हाँ मोना आई है ना। नहीं देखो ये सामने उधर देख रही है मिरर में। अच्छा, कि मैं कैसे मेरी मलाकों को ये सन भी बनाया हानिया ने, तो बहुत कुछ बना के आई हानिया। तमन्ना पानी दे दो इसको गिलास में। कितने दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं मेरी चैलेंज करूं, तो आज मुझे कितने दिनों बाद टाइम मिला मिनी चैलेंज करने का। और मैं मिनी रोटियां बना रही हूं, जैसे कि आप सब यहां पे देख सकते हैं मैंने 3 बना लिया है। अभी बस मुझे कुछ और बनानी है। हम इस नए घर में आए ना, तब से हानिया कह रही है कि मुझे 24 आवर्स चैलेंज करना है, वो भी खुले बाल। और हम सारे इसके ऊपर हंसते हैं, हमेशा कहते हैं 24 आवर्स कोई बड़ी बात है बाल खोल के रखना। और मैं हानिया को हमेशा कहती हूँ कि हानिया कोई बड़ी बात नहीं है ये बाल खोलना, 24 आवर्स कोई भी बंदा खोल सकता है। और ये हमेशा इसके बाल खुले ही होते हैं, हमेशा ये पोनी उतार देती है, तो पता नहीं कहती क्यों ये 24 आवर्स चैलेंज, वो भी खुले बाल। चले हमारी रोटियां भी बन गई हैं, साथ साथ हमारी एंटरटेनमेंट गर्ल हानिया भी खड़ी हुई है। पता ही नहीं चलने देती जब मैं कोई काम कर रही होती। कितनी रोटियां बना ली हानिया ने? 4 बना ली, सबके लिए बना ली माशाल्लाह हानिया ने। नहीं बंद किया मैंने, रखो आप नहीं बंद किया, ये देखो आग जल रही है। नहीं मैं आग के ऊपर करूंगी, जैसे आप इसके ऊपर डालोगी फिर आग के ऊपर डालेंगे, ठीक है? आराम से रखो। हाँ सही है, अब सारी रखो, एक एक करके सारी रखो, फिर बाद में भी मैंने भी बना ली, ठीक है? आज ही हमारे शेफ का कमाल देखिए, इसने कैसी रोटियां बनाई हैं। अभी मैं और बनाती हूं। नहीं हानिया बस और नहीं बनानी आपने, ये काफी है। आज हानिया ने अपना और मलाक का नाश्ता बना दिया, 2 रोटियां जो है छोटी वो मलाक की है और 2 हानिया की है ना। नाश्ता हमारा यहाँ पर बन गया है, चाय भी बन गई है, तो हानिया यहाँ पर बैठकर अभी नाश्ता कर रही है और सबको मैंने बुलाया, सारे आराम आराम से आ रहे हैं नाश्ते पे। हानिया के बाद सबसे पहले आ गई है मोना, अभी से पहले यानी आपके बाद सबसे पहले मोना आई है, मुस्तफा से पहले, तमन्ना से पहले, मलाक भी नहीं है। देखो अब हानिया अपनी रोटियां खा रही है कि नहीं खा रही? आपकी चाय। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हानिया देखो ये सामने उधर देख रही है मिरर में कि मैं कैसी लग रही हूं। अभी जो हमारी डक जो है वो नहा के आ चुकी है अपने पानी में, इसने बच भी कर लिया है। और ये डक मम्मा को बहुत तंग कर रही है। इधर उधर क्या देख रही हो आप, क्या देख रही हो आप? कुकू को तो नहीं देख रही? लाक आप कुकू को देख रही हो? ये डक जो है कुकू से बहुत डर लड़ाई नहीं, ये सामने देख रही है मिरर में देख रही है कि मैं कैसी लग रही हूँ। कोई नहीं है, मुझे लगता है किसी का इंतजार कर रही है, किसी के वेट में है। आप तो आ गई और कोई नहीं है ना घर पे, इसलिए सबका इंतजार कर रही है। कुकू नहीं है, मुस्तफा नहीं है, मोना, तमन्ना, कोई भी नहीं है, सबका इंतजार हो रहा है कि सब कहाँ चले गए। पापा आएंगे, सब आज जल्दी चले गए, मलाक आज कोई भी नहीं है घर पे। कुकू आज सो गए, सो रहा है, कुकू आज सो रहा है। क्या हुआ मेरे बच्चे को? क्या हुआ मेरी मलाकों को? बच्चे चिड़चिड़ा हो गए? आज तो मलाक फ्रेश हो गई है माशाल्लाह, और ये अपने भैया की सॉक्स पहन रही है। जो है ना मलाक मोहम्मद भैया की सॉक्स पहन गया, क्योंकि अभी तक हमने इसकी ली नहीं है। और ये चिड़चिड़ हो रही है क्योंकि पहली बार जो सॉक्स पहन रही है। पहली बार में हानिया सॉक्स पहले पहनी है मलाक ने, पहले जब छोटी थी हमने इसकी ली नहीं थी। चिड़चिड़ी इसलिए हो रही है क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं, 2 दिन से देखा ना आपने कैसे फ्लू और बुखार था, अब कुछ फ्रेश हो गई है ना। चले अब मम्मा कोई काम करे बाकी के। हानिया को ट्यूशन भेजने के बाद मैं आ गई थी किचन में, किचन को क्लीन करने के लिए। बच्चियां मेरी हेल्प करवाती रहती हैं, लेकिन जब तक मैं खुद साफ ना करूँ ना मैं मुतमईन नहीं होती। जब से हम इस घर में आए हर 2-3 दिन के बाद मैं इस किचन की डीप क्लीनिंग करती रहती। मलाक जब सो जाती है तो मुझे काफी सारा टाइम मिल जाता है काम करने के लिए। अभी भी मलाक को सुलाने के बाद मलाक के साथ मैं काफी देर बैठी रही हूँ कि ये उठ ना जाए, क्योंकि जब से उसकी तबीयत खराब हुई है तो नींद में भी बार बार उठती रहती। और आजकल आप सबको मेरे ब्लॉग से भी पता चल रहा होगा कि एक तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं होती और मलाक की भी ठीक नहीं, कुछ दिनों से काफी डिस्टर्ब है और चिड़चिड़ी सी बनी हुई है, और उसकी नींद का भी अभी कोई टाइम एक नहीं बन रहा। और जाहिर है छोटे बच्चे की नींद के साथ ही माओं की नींद की टाइमिंग होती, तो यहाँ पे हमें अपनी नींद पूरी करने के अलावा हमारे ऊपर और भी काफी सारी जिम्मेदारियां होती जो कि एक हाउस वाइफ को पूरी करनी होती हैं। और अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश करते हैं कि अपने घर में हम अपना 100% दें, किसी बच्चे को कोई शिकायत का मौका ना दें, हस्बैंड को कोई शिकायत का मौका ना दें। और माशाल्लाह से मेरे बच्चों की एज में काफी डिफरेंस है, स्टेप बाय स्टेप है, बड़े छोटे सब बच्चों को उनकी एज के हिसाब से लेके चलना पड़ता, उन्हीं की तरह सोचना पड़ता है, उन्हीं की तरह उनसे बातें करनी पड़ती, तो इसलिए मेरी तरह हर माँ
की कोशिश होती है कि हर माँ अपने बच्चों को अटेंशन दे, उन्हें अपना 100% दे। हर लिहाज से हमें बच्चों को समझना चाहिए और उनकी छोटी बड़ी चीज़ें जो कि हमारे बजट में आ जाएं तो उनका ख्याल भी करना चाहिए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि जो भी मुझसे हो सकता है मैं अपने बच्चों के लिए करूँ। उनके खाने पीने से रिलेटेड, उनके आगे बढ़ने से रिलेटेड, उनके पहनने से रिलेटेड, क्या सोचते हैं वो, क्या सोच है उनकी, क्या करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें एक हाउस वाइफ, एक माँ को ही देखनी पड़ती हैं, जो कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। काफ़ी टाइम मैंने मेकअप आर्टिस्ट की जॉब की और हमेशा मैं कहती थी कि मेकअप आर्टिस्ट की जॉब करना आसान नहीं है। हर कस्टमर के साथ हमें डील करनी पड़ती थी, किसी को कैसा चाहिए होता था मेकअप, किसी को कैसा चाहिए होता था, कोई किस तरह की पिक लेकर आता था अपने मोबाइल में कि मुझे सेम ऐसा। एक हाउस वाइफ की जॉब बहुत मुश्किल, बहुत टफ लगती है, लेकिन इसमें हमें सुकून होता है, हम मुतमइन होते हैं अपने घर की क्लीनिंग से, अपने बच्चों की देखभाल से, जो कि हमारे सुकून का बहुत बड़ा जरिया है। अल्हम्दुलिल्लाह किचन को मैंने अच्छे तरीके से साफ कर लिया, तो अब मैं मुतमइन होकर ना घर के बाकी सारे काम करूंगी, क्योंकि जब तक किचन अच्छे तरीके से साफ नहीं होता ना तो मुझे सुकून नहीं आता। मैं कहती हूँ पहले मैं किचन को अच्छे तरीके से साफ करूँ, पहले मैं किचन को ही साफ करूंगी, फिर उसके बाद घर के बाकी काम करूंगी। हालांकि मोना ने मुझे कहा भी था कि मैं किचन साफ करके देती हूँ, मैंने कहा नहीं आप लोग जाओ पढ़ने, मैं खुद ही कर लूंगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, कैसे आप सब, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। दुआ करूँ अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक हम सबको दुनिया और आखिरत की खैर अता फरमाए, आमीन या रब। इसी के साथ हमारे आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। आज वाकई ना मैं काम करना भूल गई, काम करते करते ना बस मेरे दिमाग में ही नहीं आया कि मैंने आज जो है ना व्लॉग स्टार्ट करना है या सलाम करना, कुछ भी नहीं। मैंने कहा शायद मैंने कर लिया है, तो अभी जब मैं देख रही थी फिर मेरे जहन में है कि नहीं मैंने तो किया ही नहीं है। तो खैर इसी के साथ हमारे आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं और देखती हूँ कि हमारे आज के व्लॉग में क्या कुछ मैं आप सबके साथ शेयर कर पाती हूँ। क्या बनाया आज आपने? ये सब लीव्स हैं? ये लीव्स हैं। ये खाने के लिए बनाए हैं? नहीं ये मैंने बनाए नहीं है। अच्छा, और इसके ऊपर आपका नेम भी लिखा हुआ है। ये किस चीज़ की है? साइंस की? हाँ। ये क्या है? ये रूट्स है, फर्स्ट स्टैम्प है। और ये सन भी बनाए यहाँ आया, तो बहुत कुछ बना के आई यहाँ। मम्मा मैंने ना एक पेपर ना मैं कट कर रही थी, मुझे खराब हो गया वो एक पार्ट मिस है इसका। अच्छा ठीक है, चलो ये बैग, ये पकड़ो आप, पकड़ो इसको और बैग उतारो, छोड़ो। घर के काम निपटाने के बाद मुझे जाना था मार्केट, क्योंकि आज जैसे मैं किचन को क्लीन कर रही थी तो साथ साथ मैंने देखा कि काफ़ी सारी चीज़ें हमारी ख़त्म हो गई हैं। जैसे कभी मेरे हस्बैंड घर पे होते हैं, कभी नहीं होते, कभी बहुत दूर होते हैं और कभी कभी कहते हैं कि मैं आज देर से लेट आऊँगा, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि जाकर मैं ये चीज़ें सारी ले आऊँ। तो फिर मैंने इन्हें कहा कि मुझे ऐसी मार्केट लेकर चलें जहाँ पर पैकेट बने होते हैं, जैसे हाफ के जी का होता है, 1 kg का होता है। तो यहाँ पर कुछ मसाले थे वो मैंने लेने थे जो कि ख़त्म हो चुके थे। घर में जो मेन मेन मसाले थे वो ख़त्म थे, जैसे कि ज़ीरा हो गया, काली मिर्च पाउडर हो गया, दालें हो गई, मलाक की सूजी, ये सारी चीज़ें मेरी ख़त्म हो चुकी। तो बस जल्दी जल्दी से मैंने अपनी सारी चीज़ें ले ली, ज़रूरत की जो जो चीज़ें मुझे लेनी थी। उसके बाद हमने जल्दी से बिल बनवाए, बिल बनवा के मुझे घर आना था, क्योंकि घर आके मैंने खाना भी बनाना था। सारा काम डन करके हम पहुँच गए काउंटर पर। ज़ीरा हमारा फ्राई हो गया और इसकी खुशबू भी हमें आने लगी है। तो यहाँ पर मेरे पास है अदरक लहसुन कूटा हुआ, तकरीबन है मेरे पास ये 1.5 चम्मच, ये डाल देते हैं। 1 मिनट के लिए मैंने फ्लेम को तेज़ किया था कि ताकि मसाले अच्छे तरीके से भून जाए। जैसे 1 मिनट हुआ तो फिर से मैंने फ्लेम को मीडियम पे कर दिया, क्योंकि हमें अभी टमाटरों को थोड़ा सा गलाना है। तो जैसे मैंने लौकी डाली है तो साथ ही मैं नमक भी डाल दूंगी और नमक हल। कितनी देर अभी भूख लगी है? अभी इनको भूख लगी है, सबको भूख लगी, बस थोड़ी ही देर है, बन गई है मेरी सब्जी। तो देर है क्योंकि मैंने घर आने से पहले कॉल की थी आपने। हाँ लेकिन मैं साथ साथ इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ ना, इसलिए थोड़ी सी देर होगी। मोना को मैंने कहा मोना अभी दस्तरखान लगा के बस बन के तैयार हो गई है। हमारा रात का खाना बन गया है और यहाँ पर दस्तरखान भी लग चुका है। दस्तरखान पे पहले हस्बैंड और हानिया आ गए हैं और बाकी के यहाँ पर है मेरे साथ। और यहाँ पर मैं फ्रेश फ्रेश धनिया ले रही हूँ सब्जी में डालने के लिए। मैं अपनी रेसिपी का रिव्यू देने वहाँ पर रुक गई थी और सबको भूख लगी थी, तो मैंने कहा दस्तरखान लगा के बस सबने खाना शुरू कर दिया। यहाँ पर मैं भी अभी इनके साथ बैठ के खाना शुरू करती हूँ। अरे कमोना आप मेरे साथ आ रहे हैं। तमन्ना पानी दे दो इसको गिलास में। आज तो मेरी डिश का रिव्यू मेरे लाल ने दिया है। सस्पेंस है आपका रिव्यू, चलें सबको पता चल जाएगा कि आपने कैसा रिव्यू दिया है।
खाना खाने के बाद थोड़ी देर मैं चली गई रेस्ट करने के लिए और यहाँ से आके मैं व्यू देख रही हूँ। व्यू यहाँ से इतना खूबसूरत और चांद इतना प्यारा लग रहा था माशाल्लाह। डेली की तरह मैं बैठ गई फिर से हिराज ऐप पे। यहाँ पर मैं सेकेंड हैंड सोफा ढूंढती रहती हूँ डेली आधा घंटा कुछ ना कुछ टाइम देती रहती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा टेंशन लगी हुई है कि जल्दी से मेरा गेस्ट रूम सेट हो जाए, मेरी फ्रेंड्स वगैरह आए और साथ साथ मुझे कुरान खानी करनी है। जो मुझे यहाँ पर पसंद आता है तो वो कोई मक्का में होता है, कोई रियाद में होता है और कोई जद्दा में होता है। कभी ना कभी इस सर्च का फल मिल जाएगा इंशाल्लाह। जब से हम इस घर में आए हैं तब से ना मैं कोशिश कर रही हूँ, मेरी पहली कोशिश यही थी कि सबसे पहले जो है ना मेरा गेस्ट रूम सेट हो जाए। एक तो ये होता है कि आपके घर में अगर कोई आता है ना तो आपको ये टेंशन नहीं होती कि आपने उसको कहाँ पर बिठाना है, और दूसरा ये होता है कि खैर बरकत के लिए ना, अपने अच्छे के लिए, अपने काम के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, तो उससे हम मुतमईन हो जाते हैं कि हमने कुरान खानी करवाई घर में एंटर होते ही। तो बस मुझे यही टेंशन लगी हुई है और तब से जो है ना मैं ऐप पे भी सर्च कर रही हूँ। ऐप के अलावा जो है ना मैंने अपने हस्बैंड से भी कहा हुआ है कि यहाँ पर भी है हिराज है यहाँ पर, जहाँ पर सेकंड हैंड जो है ना वो आपको चीजें मिल जाती हैं और अच्छी कंडीशन में मिल जाती हैं। तो खैर शुरू के दिनों में जब हम घर चेंज कर रहे थे तो मेरे हस्बैंड जो थे वो कुछ फ्री थे तो हमारे साथ उन्होंने काफी हेल्प करवाई। उसके बाद जो है ना अभी कुछ दिनों में वो बिजी हो गए फिर दोबारा से फार्म हाउस के काम में। तो कल भी मैंने उन्हें कहा है कि मुझे ले चले, हो सकता है कि मैं यहाँ पर देखूँ और मुझे कोई पसंद आ जाए। तो कल का मैंने उन्हें कहा हुआ तो पता नहीं उन्होंने कहा कि अगर फ्री हुआ तो मैं ले जाऊंगा। बाकी मैं ऐप पे डेली बैठ के ना मैं देखती रहती हूँ, जैसे मुझे टाइम मिलता है ना अपना फ्री टाइम में, और जैसे आधा घंटा निकाल के तो मुझे देखना पड़ता है, सर्च करना पड़ता है। तो कभी क्या होता है कि जो प्राइस जो है ना वो रीजनेबल नहीं होती, कभी कंडीशन अच्छी नहीं होती, तो इस तरह की जो है ना गहमा गहमी कशमकश चल रही है। काफी दिन हो गए हम यहाँ पर आए हैं, अभी तक मैंने कुरान खानी नहीं करवाई। और इसके अलावा मेरी दोस्तें भी घर पर आना चाहती हैं, देखना चाहती हैं घर, जैसे खुशी होती है ना हमारे अपनों को हमारी दोस्तों के जाए हम देखें हम मिलके बैठे उसके साथ, तो वो एक अपना अपनों का एक प्यार होता है, अपनों की एक अपनायत होती है और फिर हमें खुशी होती है कि हाँ हमारी मेरी दोस्तें हैं मेरी खुशी में खुश हो रही हैं, बहुत अच्छा लगता है। और फिर यहाँ पर माशाल्लाह ये घर जो है ना बड़ा है तो यहाँ पर अच्छा भी लगेगा जब कोई आता है मेरे पास बैठते, क्योंकि आप सबने देखा कि वहाँ पर तो मेरे बच्चे भी ऊपर नीचे कभी कहाँ होते थे, तो इसलिए वहाँ पर मैं भी ज़्यादा मुतमईन नहीं थी कि घर पर ज़्यादा मैं वहाँ पर किसी को इन्वाइट नहीं करती थी अपने दोस्तों वगैरह को। तो इंशाल्लाह यहाँ पर आएंगे सब और आप सबको मेरे आगे आने वाले व्लॉग्स में सब कुछ दिखेगा। और आप सब भी दुआ कीजिएगा कि कोई अच्छा सा मुझे अच्छी कंडीशन में मिल जाए, गेस्ट रूम है वो सेट हो जाए। और गेस्ट रूम ना माशाल्लाह पूरे जितने भी कमरे हैं ना पूरे घर में सबसे बड़ा है, यानी काफ़ी स्पेस है उसमें, तो सोच समझ के उसके लिए सोफ़ा सेट देखना पड़ेगा। मैंने अपनी वीडियो का मैं करने लगी एंड इंशाल्लाह मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अपनी ढेर सारी दुआओं में हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़।